आज हम वर्लपूल का वॉश फ्रंट लोड वॉश मशीन देखने वाले हैं। सो इसका मॉडल है 652ST। हाँ 652ST है और इसका 6.5 किलो का है और ये फ्रंट लोड का ही है। ये स्टील का है, पहली बात ये तो स्टील का ही है, ये प्लास्टिक का नहीं है, स्टील है। और इसमें बीच में इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है जो वो कपड़े वगैरह को ये करने के लिए। और इसमें 6 सेंस भी है, इसके तो 3 है, 3 बटन है, एक पावर बटन, दूसरा प्रोग्राम बटन और तीसरा स्टार्ट एंड पॉज बटन। तो इसमें से 7 प्रोग्राम उसने दिया है। पहला नॉर्मल है जो हम डेली यूज़ कपड़े डालते हैं, और स्पीडी जो है वो जनरली हम मतलब कम समय के लिए और जल्दी करने के लिए वो कपड़े डाला जा सकते हैं, नॉर्मल कपड़े जस्ट लाइक दैट। तो हैवी जो होता है वो जीन्स वगैरह करने, जीन्स का होता है। और उसके बाद डेलीकेट जो होता है वो साड़ी समथिंग, लाइट लाइट चीज़ होता है, साड़ी वगैरह के लिए भी होता बिल्कुल है। और हाइट जो होता है वो बहुत डार्केस्ट के लिए होता है, मतलब ओनली एक दो कपड़ा ही लेता है इस पे P5 में। और रेजल स्पेन मतलब एक बार धोना है और उसके बाद सुखाना है, और ये बस सुखाने के लिए है। और अगर आपको पानी का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको स्टोर भी कर सकते हैं, पानी दे सकता है। और इसके बाद हम आते हैं वाटर लेवल के लिए। वाटर लेवल में वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, और ऑलवेज आपको हाई में ही रखना है क्योंकि उससे पानी अच्छे से ड्रेन भी साफ़ होता है, तो हाई हमें से रखना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम, जिसे आपको दिखाती हूँ। ये ऑन हुआ, ऑन होने में ये सब लाइट ऑन होता है। अगर आपका पानी नहीं आ रहा होगा तो पानी का सिग्नल देगा, अगर वोल्टेज फंक्शन थोड़ा कम आ रहा होगा तो वो वोल्टेज का फंक्शन देता है। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं P2। P2 में वो ऑटोमेटिक पानी लेवल लेता है, बट आपको सेट करना है। स्पीडी में आपको कितने कपड़े हैं उसी हिसाब से आपको पानी लेवल सेट कर सकते हैं। P3 हैवी में आपको पानी का ही वही सेम पी देना है, प्रोडक्ट हाई में आ जाएगा, डेलीकेट में हाई भी आता है। उसके बाद वाइटनेस, वाइट इसलिए आए लो ये देता है क्योंकि इसमें एक ही कपड़े या दो कपड़े हम ये कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इसलिए वो लो या मीडियम आप चाहें तो रख सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं क्योंकि एक दो कपड़े ही इसमें साफ आए स्पेन। उसके बाद देखिए रेजेंस पे, उसके बाद P8 में आपका स्टोर, P8 में आपका स्टोर आएगा, हाई तक लेगा, आपको जितने पानी रखना है जहाँ तक तो आप वहाँ रख के ये ऑन कर सकते हैं। और ये रहा अगर घर में बच्चे हैं और ये करें तो इस दोनों को कर देंगे तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा, फिर आपको ऐसे करके उसको ये निकालना भी पड़ेगा। और डाटी प्लस का बटन इसलिए होता है कि अगर कोई भी कपड़ा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो तो ये करने के लिए होता है, तो बस। और इसमें भी वाटर रिक्यूज है, ऑटो टॉप क्लीन है और ऑटो डिस्टार्ट है। उसके बाद अगर डाटी प्लस करते हैं तो उसमें ये देता है ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा रिजन देगा उसमें जो ये बटन लगेगा ये वाला, और रिजन वाटर रिक्वेस्ट ये। इसका भी यहाँ पे सब प्रोग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं P1 P2 P3 P4 P5 6 7 8। तो आप देख लीजिए एक बार क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, ये वाला है स्टील, स्टील का है, थोड़ा सा स्टील का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर ये सब है और यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डिटर्जेंट वगैरह डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लीच वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लीच डाल सकते हैं। ये उसका कनेक्शन दिया गया है पीछे से, ये इसका ड्रेन में डालने के लिए, और ये वाला ये अलग आता है, ये लोग वो कस्टमर केयर वाला आके लगाएंगे आपको, देगा।